सो गाइज, हमने बनाया है ये पान फ्लेवर में मोदक, जो कि बहुत डिलीशियस बने थे, बहुत यम्मी बने थे। तो देखते हैं इसकी मेकिंग हमने कैसे बनाया है। तो पैन में मैंने हाफ स्पून, क्या कहते हैं, मैंने घी ले लिया था, और ये वाला जो गिलास था इसका मैंने आधे से ज़्यादा मिल्क ऐड करा था इसमें, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, मिक्स कर लेंगे। और क्या कहते हैं, इसी बीच में मैंने ये नेस्ले का मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था। आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं, अगर आपका मिल्क पाउडर स्वीट ना हो तो आप इस स्टेज पे क्या कहते हैं, शक्कर भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका मिल्क पाउडर स्वीट हो तो आप शक्कर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम लो पे, मीडियम लो पे रखेंगे, लम्स नहीं आने देंगे, हमको ये ध्यान रखना है कि लम्स ना आए, ठीक है। और इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। हमको एक मावे की कंसिस्टेंसी में लेकर आना है, जैसे इस तरीके से लेकर आना है, और इसको पकाते पकाते एक अच्छा सा थिक सा डो बन जाए, कुछ इस तरीके से। देखिए, इस तरीके का डो बन गया। अभी ये प्रॉपर बन के रेडी हो चुका है मोदक के लिए। तो अब इसको क्या करेंगे, एक प्लेट में रख लेंगे। तो प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया था, देसी घी से ही करा था, ठीक है। प्लेट में रख लेंगे और इस डो को ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम अपनी मोदक के प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो ये पेस्ट, ठीक, जो डो था वो ठंडा हो गया था, और इसी में मैंने फ्रूट कलर ऐड कर दिया था, ग्रीन कलर का। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हाथ में ना स्टिकी स्टिकी सा लगता है, तो अगर आपको आपको भी ऐसे ही कुछ लग रहा हो तो आप हाथों में घी लगा के भी इसका डो बना सकते हैं। और गाइस, वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम मोदक बनाने चलते। तो ये मोल्ड तो थोड़ा मेरा ना बड़ा साइज़ का था, तो इसमें मैंने देसी घी की ग्रीसिंग कर ली थी, ठीक है। इसको अच्छे से कॉर्नर में ना अच्छे से प्रेस करके डो को सेट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो ग्लूकंद है ना, ग्लूकंद की हम स्टफिंग करेंगे, जो नॉर्मली जिस पदवाड़ी की शॉप पे या पतंजलि की शॉप पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये ग्लूकंद की स्टफिंग इसमें ऐड कर देंगे, फिर ऊपर से इसको कवर कर देंगे, ठीक है। कवर करने के बाद हमारे मोदक इतने मस्त बनकर आए थे ना, देखिएगा, मतलब बहुत ही यम्मी बनकर आए थे। यम्मी मतलब देखने में यम्मी भी, खाने में भी यम्मी। तो देखिए, काफ़ी अच्छे बनकर आए थे। बस इसमें यह था कि जो मेरा ये मोल्ड था ना, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए ना ज़्यादा मोदक नहीं बने। मैंने इतने पेस्ट में दो ही मोदक बने, पर बने बहुत डिलीशियस थे। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।